बिहार में एक बार फिर बवाल, बीजेपी नेताओं की हुई आंखें लाल, क्या फैसला लेंगे लालू के लाल। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिछाया सत्ता का नया जाल। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। बिहार की राजनीति में तमाम खींचातानी के बाद आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को अलविदा कह दिया। कल मंगलवार को जेडीयू विधायकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। कल मंगलवार को उन्होंने राज्यपाल से इस्तीफा मांगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अब गठबंधन अस्तित्व में नहीं रहा। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों के बीच का तनाव ब्रेक पॉइंट पर पहुंच गया था। नीतीश कुमार का मानना था केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार जेडीयू को विभाजित करने के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के पूर्व नेता आरसीपी सिंह पर अमित शाह के मौरे के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया था। जेडीयू की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद आरसीपी ने पिछले सप्ताह के अंत में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2017 में आरसीपी ने नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल भी ज्वाइन किया था। उधर महागठबंधन की बैठक में आरजेडी विधायक एमएलसी और राज्यसभा सांसदों ने तेजस्वी यादव को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। इस दौरान सभी नेताओं ने कहा है कि वे तेजस्वी के साथ हैं। उधर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों ने भी तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के आज मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी से अलग होकर नेता नीतीश कुमार ने 7 दलों के महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं। सूत्रों के अनुसार राजभवन में दो बजे एक सादे समारोह में दोनों शपथ लेंगे, फिर बाद में दो सदस्यीय मंत्रिमंडल में और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर 8वीं बार राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तेजस्वी और नीतीश कुमार का इस प्रकार से पुनः साथ जाकर सरकार बनाना वक्तों में बेचैनी बढ़ा रहा है। खास करके मनवादी मीडिया पब्लिक ओपिनियन में पूछ रहा है कि क्या अब फिर बिहार में जंगल राज कायम हो जाएगा। अब इन भक्तों और गोदी मीडिया के चापलूस पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी मशीन है कि जो नेता बीजेपी के साथ रहते हैं तो निष्पक्ष और सही हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य दल से गठबंधन करने पर दल बदलू और पलटू होने का आरोप लगाते हैं। आखिर इस प्रकार की दोगली मानसिकता ये गोदी मीडिया के पत्रकार और तमाम जो मनवादी लोग हैं वो कहां से ला रहे हैं, इस बात को बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को भी समझना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। आगे अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए जनता आवाज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।